एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी वेव हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। प्रशासन की मिलीभगत से अवैध तरीके से चलाया जा रहा बार। दक्षिण अंडमान में अवैध रूप से संचालित हो रहे बार मालिकों को प्रशासन का खौफ नहीं है। बार मालिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बेखौफ संचालित कर रहे हैं। बार मालिकों की इस कारस्थानी में कहीं न कहीं प्रशासन के अधिकारी भी मिले हैं। आलम यह है कि बी वन श्रेणी में आने वाले कई बार ऐसे हैं जो प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। इनके पास न तो फायर क्लियरेंस और न ही गाइडलाइन के मुताबिक कमरे हैं। पोर्ट ब्लेयर में कई ऐसे बार हैं जो इन मानकों को पूरा नहीं करते, इसके बावजूद धड़ल्ले से चल रहे हैं। बार मालिकों के मनमानी के कारण आए दिन घटनाएं हो रही हैं। दो दिन पूर्व डॉलीगंज क्षेत्र में देसी लॉन्च बार में मारपीट और गांजा तस्करी की घटना भी सामने आ चुकी है। सूत्रों का कहना है कि ये बार भी प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, इसके बाद भी संचालित है। बता दें कि पूरे द्वीप समूह में दो तरह के बार संचालित होते हैं, पहले B1 और दूसरे B2। B1 श्रेणी वाले बार के पास फायर क्लियरेंस के साथ कम से कम 6 रूम होने अनिवार्य हैं, तो वहीं B2 श्रेणी के बार में फायर क्लियरेंस के साथ साथ केवल बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। बता दें कि पूर्व में भी न्यूज़ आप तक ने इस मामले को उठाया था। न्यूज़ आप तक की टीम ने दक्षिण अंडमान जिले के कई बार की जांच की, गाइडलाइन के हिसाब से नहीं थे। खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर के लगभग 8 बार पर कार्रवाई की। हैरानी की बात है कि न्यूज़ आप तक ने जिन बार को दिखाया उन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन दक्षिण अंडमान जिले में दर्जनों ऐसे बार हैं जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। अब देखने वाली बात होगी कि इन पर कार्रवाई होती है या नहीं। इस संबंध में जब दक्षिण अंडमान जिला आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले बार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।